तो ये मेरा बेटा फर्श पे सोया हुआ है। हम लोग गाइस यहीं पे गर्मी पे सोते हैं, जब तक कूलर इस्तेमाल होता है, कूलर में जब सोते हैं तो हम यहीं पे सोते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में यहाँ सोना, क्योंकि यहाँ खुला खुला लगता है और यहाँ कूलर लगाते हैं तो बहुत मज़े से सब लोग सोते हैं। देखो अभी सो रहा है, इसको भी स्कूल जाना है। शिवाय शिवाय चलो उठो, शिवाय उठो, आपको स्कूल जाना है, शिवाय उठो चलो, शिवा उठ बेबी, स्कूल जाना है। सोने में बहुत वो है, सोता है तो उठता ही जल्दी नहीं है। शिवा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। देखो दीदी तैयार हो गई, चलो उठो, आप भी जाओगे स्कूल जाओगे ना, और बोतल छोड़ के आए, न्यू बोतल था लेके आना आज स्कूल से, परसों गया था तो बोतल छोड़ के आ गया, बोतल मिला ही नहीं, लेके आना बोतल, ठीक है। ऐसे बोलो, ऐसे गुड मॉर्निंग बोलो, सबको बोलो गुड मॉर्निंग। ये बोलने वाला नहीं है, मुंह से करके रखे। हम यहीं पे सोते हैं गाइज, और सर्दी सर्दी बेड पे सोते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ज़मीन पर हम कभी सोए नहीं हैं, मैं हमारे मायके में तो कभी ज़मीन पर कोई भी नहीं सोता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फर्श पे सोना मेरी आदत सी बन गई है सोने का। मतलब बेड गर्मी गर्मी में तो यहीं सोना पसंद करते, कोई बेड पे सुला दे तो आफत आ जाए। और हाँ एसी चलाते हैं, जैसे कभी एसी की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम एसी यूज करते हैं। तो एसी में भले हम के पापा टक्कू बाबू दो तीनों कमरे पे कमरे में सो जाएंगे, मैं तो नीचे ही सोती हूँ, क्योंकि मतलब कमरे में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इतना जगह तो बच ही जाता है कि मतलब बेड लगाने के बाद बच जाता है, तो फिर इसलिए सोते हैं। अभी हम चाय बना रही हूँ, बेटी जाएगी, बोली मम्मी सब्जी नहीं खाने का मन है, तो मैंने चाय पराठा बना दी। सो आज उसका ना बोर्ड का एग्ज़ाम है, पहला दिन है तो आज बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वो जा रही है, बहुत ज़्यादा नर्वस भी है, और मतलब पढ़ाई तो अच्छी तरीक़ा से की है लेकिन पहली बार है, और बोर्ड के नाम सुन के ही लोगों को डर लगता है तो वो नर्वस हो रही है, और पढ़ाई अच्छे से करी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रख रही है। मैंने बोला अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मेहनत करी हो तो फल मिलेगा ही, मेहनत करो और क्या, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यार मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी मतलब मेरी बेटी इतनी बड़ी, मतलब 10 साल की हो गई है, 11वें उसका 11वां चल रहा है। सोचो एक समय हम मैं थी, इतनी छोटी सी थी, छोटे छोटे ड्रेस पहन के घूमती थी। यार अभी भी यकीन नहीं होता मेरे को तो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन वही है समय के अनुसार सब बड़े हो जाते हैं। मैं चाय बना रही हूँ, फिर पराठा बनाऊँगी, जाएगी एग्ज़ाम देने, अपने दोस्त के साथ जाएगी। बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता माँ बाप को, मेरे को तो खुद को यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी, जो कि मैं इतना काम वाम कुछ भी नहीं करती थी, आप लोगों को पता ही है, मैं तो जिस चीज़ को पता है यार, मैं तो कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन आज देखो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। और अभी चाय पी रहे हैं, इसको भी सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, सुबह कभी खा के जाती नहीं है, बस थोड़ा सा टोस्ट खा लेगी या बिस्किट खा लेगी ये तो सुबह सुबह, लेकिन अभी एग्जाम है, टिफिन भी लेके जाना नहीं है। उन्होंने बोला दो पराठे खा लो, बोली सब्जी नहीं खाओ, चाय के साथ खाते अभी। खुश रहो, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से, डरना मत।